देखिए, गुर्जर समाज के अजमेर हमारे स्वाई भोज मंदिर के अध्यक्ष हैं अर्चन जी और नाथू जी बजाड़ और भगवान जी और सभी संगठन, जितने भी अजमेर जिले के संगठन हैं सभी ने मिलकर के और गुर्जर समाज के द्वारा सामूहिक ये निर्णय लिया गया था कि गुर्जर समाज में जो बावनी जो मृत्यु भोज और जो बाल विवाह होता है उस पर रोक लगाई जाए। ये इस डिसीजन के खिलाफ में कुछ लोग देवमाली के अंदर अभी भी बावनी का आयोजन कर रहे हैं, 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसमें बाल विवाह और जो मृत्युभोज होने जा रहा है उसको लेकर के हमने जिला कलेक्टर साहब और एसपी साहब से निवेदन किया था और आज भी हमने ज्ञापन दिया है कि ये जो कुरीति है और जो शारदा एक्ट बना हुआ है कानून उसके तहत इन पर रोक लगनी चाहिए। और इसके बावजूद यदि प्रशासन रोकने में नाकाम रहता है तो आज हमें उन्हें चेतावनी देना आए हैं कि गुर्जर समाज इसको लेकर के आने वाले दिनों में यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी क्योंकि हमारा काम प्रशासन को सूचना देना था और प्रशासन को सूचना देने के बावजूद बाल विवाह और मृत्युभोज होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हमें पूरी आशा है कि एसपी साहब और कलेक्टर साहब इस पर कार्रवाई करेंगे और हमारी सरकार के अंदर ऐसा किसी भी सूरत में शायद नहीं होने दिया जाएगा, ऐसी हमें पूरा विश्वास है। इसके बावजूद समाज के लोगों ने, पंच पटेलों ने, सभी लोगों ने, ये किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं है, समाज के तमाम लोगों का डिसीजन है कि ये मृत्युभोज जो बावनी हो रही है उस पर रोक लगे। हमारे पुष्कर के अंदर पहले जो मीटिंग हुई थी उस पर सभी सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया था। कुछ लोग जो इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ में हम लोग जो खड़े हैं उसको जानबूझ करके वहाँ पर बावनी करने जा रहे हैं, मृत्युभोज करने जा रहे हैं, तो वो उसको रोकने के लिए आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं और हम यही मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से इस पर रोक लगनी चाहिए और हमें आशा है कि इस प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।